चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली जिस भर्ती का इंतजार था वो आ गई है काफी लेट, ऑलमोस्टली ये 5 से लेकर 10 मिनट हुए हैं ये भर्ती आई हुई है, जिसका काफी दिनों से इंतजार था, काफी सुबह से कैंडिडेट इनका इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आप देख सकते हैं राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल 2022 की भर्ती, आप देख सकते हैं 14th October को ये भर्ती आई, यानी कि आज, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 4 नवंबर है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं ऑनलाइन आपको ये फॉर्म भरने हैं, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको यहां पर जो है फॉर्म भरने हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां पर और ये तमाम डिटेलें दे के रखी हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जिलेवार यहाँ पर उन्होंने जो है रिक्तियाँ दी हैं। तो आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में, आप देख सकते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 50 यहाँ पर टोटल यहाँ पर रिक्तियाँ हैं अल्मोड़ा में, यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अनुसार आप देख सकते हैं ये टोटल 50 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग जो फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए इसमें कौन कौन सी हैं और अलग यहाँ पर उन्होंने देख रखा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं बागेश्वर में 18 हैं टोटल, चमोली में 26 हैं, उसके अलावा चंपावत में आप देख सकते हैं 26 हैं, उसके अलावा देहरादून में 9 वैकेंसीज हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं नैनीताल में 27, उस तरह से पौड़ी गढ़वाल में 79, उस तरह से पिथौरागढ़ में 38, रुद्रप्रयाग में 13, और उसके अलावा आप देखते हैं टिहरी में 45 और उत्तरकाशी में 60, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने यानी कि वैकेंसीज यहाँ पर टोटल दे के रखें, यानी कि टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 391 पद हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी लेखपाल 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष राजस्व उप निरीक्षक पटवारी पद हेतु वेतनमान शैक्षिक का यहाँ पर टोटल इन्होंने जो है आप देख सकते हैं डिटेल देख रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटवारी के लिए 391 पद हैं जहाँ पर ये समूह गौ की भर्ती है, और जो शैक्षिक अर्हता है आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपको जो है स्नातक होना आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा स्नातक होना आवश्यक है, और उसके अलावा यहाँ पर और भी अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो वो अधिमान है। अब बात करते हैं फिजिकल की, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 60 मिनट्स में जो है 7 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 35 मिनट्स में 3.5 किलोमीटर रनिंग है। इस तरह से शारीरिक में आप देख सकते हैं जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर है, और अलग पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी गई है। उस तरह से जो चेस्ट है 84 जो है मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, और नियम मूलतः 5 जो है सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी है, और फीमेल कैंडिडेट का जो वेट है 45 किलोग्राम यहाँ पर होना चाहिए, और जो आपकी एज है वो 21 से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन उसमें आपको छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं कि राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल की 172 पदों में कहाँ कहाँ ये सीट है, आप देख सकते हैं चंपावत में केवल 1 सीट है, वो भी यहाँ पर जर्नल की है। इसी तरह से आप देख सकते हैं देहरादून में 38 है, और हरिद्वार में 51, और नैनीताल में 26, उसके अलावा उधम सिंह नगर में 56, और इसी तरह से आप देख सकते हैं टोटल ये पद 172 है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं, जो क्वालिफिकेशन है भारत द्वारा विधि में स्थापित किसी भी जो है विश्वविद्यालय से आपको जो है स्नातक होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो फिजिकल है इसमें भी लगभग लगभग वही है, लेकिन इसमें केवल रनिंग है। ठीक है, और जो एज है इसमें उसमें 28 थी लेखपाल उसमें, और इसमें आप देख सकते हैं लेखपाल के लिए 35 है, और यहाँ पर पटवारी के लिए जो है 28 ईयर्स थी। ठीक है, उसके अलावा जो एज है यहाँ पर ऑलरेडी मिनिमम 21 मैक्सिमम 35 है, अकॉर्डिंग टू द रूल जो एज कैलकुलेट होगी आपकी पहली से यहाँ पर होगी। आप देख सकते हैं 7 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों की जो गणना उसी के हिसाब से यहाँ पर होगी, और आयु छूट को लेकर आप देख सकते हैं आज ही जो है एक नया जो है गैजेट यहाँ पर जो है जारी हुआ है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से। ठीक है, और फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस के लिए भी यहाँ पर उन्होंने छूट दी है। अप्लाई कैसे करना है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है UKPSC.net.in पे जाके आपको हाउ टू अप्लाई
करना है और उसके अलावा अप्लाई नाउ पे जाना है। उसके लिए हम जो है एक डिटेल वीडियो आपके लिए बहुत जल्द यहाँ पर जो हम लेके आएंगे। शुल्क के संबंधी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुल्क है यहाँ पर अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग में जो भी है यहाँ पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है आपको छूट दे के रखी है। ओके फ्रेंड, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स जो थे सिलेबस को लेकर यहाँ पर काफ़ी लोगों में था कि क्या इसका सिलेबस होगा, कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं परीक्षा योजना, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि 100 अंकों की यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे की होगी यहाँ पर लिखित परीक्षा, इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का आएगा। अब टोटल कौन कितने मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी 20 मार्क्स की होगी, बाकी जो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है वो भी 40 मार्क्स का होगा और उत्तराखंड भी 40 मार्क का होगा, यानी कि 100। ये लगभग वही सिलेबस है जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया था। तो आई थिंक फिलहाल यहाँ पर आपको सभी कैंडिडेट्स को डाउट दूर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने जो है और भी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दे के रखी हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। और तो कल से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, आज से ऑलमोस्टली होंगे क्योंकि यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है कि कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, लेकिन लास्ट डेट जरूर यहाँ पर उन्होंने 4 नवंबर 2022 दे के रखी है। तो फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।